नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रोलॉजिकल गुरुजी में। और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नवरात्रि के 9 दिनों में कुछ ऐसे काम होते हैं जो आपको नहीं करने चाहिए और कुछ ऐसे चीजें होता है जो किसी को नहीं देने चाहिए। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। अगर आप व्रत रखते हैं तो फिर इन व्रत के दिनों में भूल कर भी नींबू मत काटिएगा। अगर आप फास्ट रखते हैं तो साथ ही लहसुन प्याज नॉन वेज और अल्कोहल इन चीजों का भूल कर भी सेवन ना करें। 9 दिनों के अंतर काले रंग के वस्तु या फिर लाल रंग के वस्तु आपको धारण नहीं करनी है और सिलाई कढ़ाई वगैरह भी नहीं करना चाहिए, ना ही मकड़ी के जाले साफ करना चाहिए। आप पहले से कर ले घर की सफाई, ये ज्यादा अच्छा है। नवरात्रि के दौरान नाखून भी नहीं काटने चाहिए, यह भी वर्जित होता है। और पति पत्नी एक साथ ना सोए संबंध ना बनाए, ये बहुत जरूरी है अगर आप फास्ट रख रहे हैं तो। जहाँ तक संभव हो नवरात्रि के दौरान चमड़े के फेल्ट जूते चप्पल बैग पर्स कुछ भी यूज मत कीजिए, ये अच्छा नहीं माना जाता है। नवरात्र में चमड़े का यूज बिल्कुल ही निषेध है, इस बात का खास ख्याल रखिएगा। अगर आप अलस स्थापना करते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि एक अखंड ज्योति पूरे 9 दिनों तक चलेगा। अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं फिर भी बिना स्नान किए पूजन ना ग्रहण करें, माँ की आराधना जरूर करें। कुछ समझ में ना आए तो माँ के 32 नामों का जप करें। और शिव पुराण के अनुसार नवरात्रि अगर करते हैं तो दिन के समय मत सोइए। साथ ही से झगड़े लड़ाइए करना, झूठ बोलना, गंदी गाली गलौज करना, ये सब चीजें वर्जित है। अगर आप चाहें तो हनुमान चालीसा का दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, लेकिन माँ की आराधना पूजा पाठ के बीच बीच में भी बातें मत कीजिएगा, ये चीजें आपकी पूजा को खंडित कर सकता है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। हम बात कर रहे हैं इन नवरात्रि में क्या किसी को नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले बात, नवरात्रि के दिनों में सिंगार की वस्तुएं किसी को भी ना दे। दूसरी बात, फटे पुराने कपड़े किसी को ना दे और जूते चप्पल भी ना दे। फटे पुराने नहीं देनी है आपको, देनी है पुराना दे सकते हैं, पर फटा हुआ आप कपड़े किसी को भी मत दीजिएगा। अगर ढंग का कपड़ा है तो दे सकते हैं, विशेष ख्याल रखें। और खासकर महाअष्टमी के दिन किसी को भी उधार ना दे, क्योंकि यह दिन पूरे साल को मैनेज करता है। ये दिन आपका जैसा व्यतीत होगा पूरा साल वैसा जाएगा। तो किसी को पैसा लेन देन के पहले 1000 बार सोचे, चाहे वो कितना भी करीबी क्यों ना हो, इस दिन किसी को कुछ नहीं दे तो ज्यादा अच्छा है, ज्यादा शुभ रहेगा। हर हर महादेव। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें।